Check the mic and make sure it sound right, boys. बाद आप आपसे काफी अरसे बाद नाश्ता इस तरह ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, है ना। पहले तो किया करती थी और बाकायदगी से तो फिर मुख्तलिफ तरीके से, कभी बाहर से, कभी घर से, घर के अंदर के ब्लॉग, तो इसी तरह रहता है। देखिए सिलसिला जारी और हम सब आपके लिए ही करते हैं। और पराठा बनाऊंगी, देसी घी से। तो ये मैं निकाल लेती हूँ अपना बेलन, आज पराठे का दिल। अभी मौसम भी दिखाती हूँ कि पराठे वाला मौसम हुआ हुआ है एक्चुअली। और मैं हैरान होती हूँ, मैं गर्मी में पराठा नहीं खा सकती ना। लोग खाते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ने तौफीक देता तो खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी। गर्म मौसम में पराठे को तो मैं छू भी नहीं सकती ना। और सारी तैयारी कर लेते हैं। आटा तो गूंदा हुआ ही था मेरे पास और दिल कर रहा है कि साथ साथ में ना वो भी बना लूं, क्या उसे कहते हैं, दलिया। दलिया कौन सा दलिया नहीं है नहीं, वो जो फ्लेक्स होते हैं ना, वैसे तो कॉर्न के होते हैं लेकिन मेरे पास व्हीट फ्लेक्स पड़े हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो बना लूं। ध्यान आटे की तरफ था तो मैं दलिया दलिया लगी हुई थी करने को, फ्लेक्स को कहने को, तो वो भी दिल कर रहा है मेरा। देखें छोटा सा बनाती हूँ, इतना मिन्नू सा पराठा कभी किसी ने बनाया। मैं बनाती हूँ मिन्नू सा पराठा बिल्कुल। और अच्छा लगता है आप सबसे शेयर करके, आप सुनाएं क्या हाल चाल है, कैसे गुजर रही है आप सबकी लाइफ, हाउ इज लाइफ। और अल्लाह करे सबकी अच्छी ही गुजरे। और मेरा तरीका है एक अलग से ही है, देख लीजिए। और पराठा बनाने का कोई पेड़ा छेड़ा नहीं बनाती, डायरेक्ट ही शुरू हो जाती हूँ। अच्छी उम्मीद है गुजरनी चाहिए और अच्छा खुद ही करना पड़ता है, बिलीव मी। लाइफ को आपने ना खुद ही अच्छा करना होता है, ये होती है। इतनी खूबसूरत खूबसूरती तो है, नेचर है, सब कुछ है, लेकिन अंदर की लाइफ को जो है ना, अंदर के क्या कहते हैं, अंदर जो आपके कश्मकश चल रही होती है कि ये करना है, वो करना है, ये टेंशन तो, वो टेंशन तो, पता नहीं दुनिया के जो भी खेड़े होते हैं, जो कि हमारी सेल्फ क्रिएटेड ज़्यादातर टेंशंस होती हैं ना। किसी को तंग करें तो ना कोई हमें तंग करेगा, सिंपल सी बात है। और अगर तंग कोई करेंगे आप किसी को, तो फिर हर कोई इख्तियार रखता है कि वो भी आगे से आपको अपनी इस्तेआत के मुताबिक जो है आपसे बात करे या जिस तरह भी हो, तो कोशिश करनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें तो हम सब करते हैं लेकिन अमल भी करना चाहिए। और प्रैक्टिकली वो कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी में कभी किसी को दुख ना दे। और अगर जो दुख देता है तो वक्ती तो हम सब्र कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बहुत ज्यादा हद से बात बढ़ जाती है तो आप सब्र भी करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अगला है कि बाज ही नहीं आ रहा, बाज ही नहीं आ रहा, वो आपके सब्र का नाजायज फायदा उठा रहे, वो समझ रहे शायद दब गए, डर गए, मर गए। ऐसी बात नहीं होती, डरना सिर्फ अल्लाह की जात से चाहिए और डर भी उसी का होता है। लेकिन इर्द गिर्द ना थोड़ा सा हमें एफर्ट करनी होती है, अपना हिस्सा डालना होता है, खुद से नहीं खुशियां मिल जाती, बहुत कुछ एफर्ट करनी होती है, अपना दिल जहन बड़ा करना होता है। जहन तंग नजरी को छोड़िए कि इसने ये क्यों किया, सिंगल औरत है तो उसने रंगीन कपड़े क्यों पहन लिए, कलरफुल है, मेरी बेटी सुने रंगीन तो क्या हंसे, ये क्या बात हुई भाई, है तो कलरफुल कपड़े क्यों पहन, मैं एक मिसाल दे रही हूँ ना, उसने अच्छा कपड़ा क्यों पहन लिया, वो बाहर अकेली क्यों जा रही है भाई, सिंगल अगर औरत है तो उसने बाहर अकेले ही जाना है ना, क्या करेगी वो, कौन है उसका साथ देने वाला। कौन है उसके काम करने वाला, उसे घर बाहर के अलग से करने होते हैं ना। तो इंशाल्लाह ताला हर किसी की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जब हम ये सोचने लगेंगे ना, तो फिर जिनके शोर होते हैं अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे उनके शोरों को, तो उनको ये अंदाजा नहीं होता ना कि सिंगल लाइफ की औरत क्या है, तो औरत की लाइफ क्या है। ब्लूपर्स तो वो खाम खाई तनकीद, बुराए तनकीद और इस तरह की बातें, ये अच्छा नहीं लगता ना, ये जेब भी नहीं देता इंसान को कि ऐसी बातें करे, क्योंकि हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, वो अपना हिसाब दे लेगी बेचारी, किस्मत की मारी जो बाहर निकली हुई है ना किसी मसले में, किसी घर के उसमें, तो वो दे लेगी अपना हिसाब।
सॉरी अल्लाह ताला को ना आप उसकी फिक्र मत कीजिए इतना ज्यादा, उसके गम में पतले ना होइए, बल्कि अपनी फिक्र कीजिए और अपना देखिए कि हमने अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को, अपने घर वालों की लाइफ को, अपने मियाँ की या जो भी रिश्ते हैं हमारे उनकी लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है, ना कि हम पीछे पड़ जाएं कि भाई इसने ये कर दिया तो उसने वो कर दिया, उसने जेवर क्यों पहन लिया, वो उसको कोई हक नहीं है, अब शायद उसे मर जाना चाहिए, है ना। नाउज़ुबिल्लाह, ये जो है ना ये रस्में ठीक नहीं होती। हर किसी ने अपनी मर्जी से पहले का अपनी कब्र में जाना है। आप क्यों किसी के गम में दुबले होते हैं? आप एग्री करते हैं कि नहीं इस बात से? जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा इस बात से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि इस तरह करके किसी को टॉन्ट करना, बाहर क्यों गई तो अंदर क्यों गई तो ये तो वो। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं बनाऊंगी कॉर्नफ्लेक्स, देखती हूँ अगर बनाया तो, वैसे चीनी रख देती हूँ। तो ये वाला है ना वीटाबिक्स का, ये वीटाबिक्स की इस बार बड़ी अच्छी होती हैं चीज़ें। वैसे तो मैं ओट्स खाती हूँ, ओट्स ख़त्म हुए मैं, और मैं सैटरडे होपफुली जाऊंगी तो ले आऊंगी ना। तो साथ साथ चाय बन रही है, साथ जी मेरा पराठा इधर रोल तो हो गया है, थोड़ा सा घी डालती हूँ तवे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना ज़्यादा मैं वो घी में तल के नहीं ना, बिल्कुल ऑयल या घी और तल के नहीं पकाती मैं, बस दरमियाना ही रखती हूँ ताकि ना पराठा भी खाया जाए और अपनी डाइट का भी ख्याल रखा जाए, है ना। ऐसे ही होता है ना, खुश रखिए, खुश रहें और खुश रहने दें दूसरों को, हमें खुश रहना भी चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। यानी मैं लेक्चर देती जा रही हूँ। बहुत दिनों से आपसे ऐसी बातें नहीं की थी, बहुत ज़्यादा मैं किया करती थी अपने दिल की बातें हर किसी के साथ शेयर की, तो आप सबसे यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत दिन हो गए नहीं शेयर की, तो चले आज बिस्मिल्लाह करके आराम से डालिए। जिनको प्रैक्टिस नहीं हो पहले घी ना डालें क्योंकि उछले ना, मुझे तो प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, तो इस वजह से मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ। वरना यंगस्टर जो है वो पहले ना डालें, हल्का सा डालें, ज़्यादा ना डालें घी या ऑयल तवे पे। तो ये बातें थी, चलें करते हैं बातें भी साथ साथ, नाश्ता भी तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशोखुशी होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, और सबसे पहले आपका एज यूजुअल थैंक यू अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक कर किया, सब्सक्राइब किया, शेयर भी करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनको पढ़ के मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है और मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। और आपका प्यार है ढेरों ढेरों, और आपके लिए दुआएँ हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे, और जो आप लोगों को तंग करें उन्हें माफ़ कर दिया करें, अल्लाह पर छोड़ दिया करें मामला। अपने पहले इंसान अपनी कोशिश करता है, लड़ता झगड़ता है, थोड़ा अपना डिफेंसिव होता है, लेकिन बातों से ना, मेरा मतलब हाथापाई से नहीं, लेकिन अपने आर्गुमेंट्स देता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं इस तरह, ये मेरा मतलब नहीं था या कुछ इस तरह नहीं था, लेकिन अगला जब नहीं मानता ना तो अल्लाह को छोड़ दे मामला, फिर देखें अल्लाह आप हट जाए बीच में से, फिर अल्लाह पे मामला छोड़ दीजिए और देखिए फिर अल्लाह ताला कैसे कैसे बदले लेता है और कैसे कैसे अल्लाह ताला हमें हमारे सामने लाता है कि लो देखो बंदे तुमने मेरे पे मामला छोड़ा था तो ये तुम्हारे मसले का हल है। तो इस प्यारी सी बात के साथ चलिए मेरा ब्लॉग देखिएगा, और ज़रूर दुआ में याद रखिए कि आप सबको अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे और ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए जिस जिस शोबे में हैं, और जिस तरह भी हैं आप अपने फैमिली के साथ खुश रहें, फैमिली से जुड़े रहें, किसी अपने प्यारे का दुख अल्लाह ताला आपको ना दिखाए, और आमीन सुम्मा आमीन। चलें ब्लॉग देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको। आज जी नाश्ते की तैयारी पे ही आपसे ढेरों ढेरों बातें हो रही हैं, माशाल्लाह से लकीली टाइम मिल गया मुझे, वरना अक्सर ये होता है कि मैं नाश्ता जब बना रही होती हूँ कर रही होती हूँ तो मेरे बच्चे सब तकरीबन फ़ोन पे होते हैं, सुबह का सलाम कर रहे होते हैं मुझे, उन्हें पता है मामा 10-11 बजे उठेंगी तो 11 बजे तक या 10:30 तक नाश्ता करेंगी, तो उसी वक्त मुझे मैसेजेस आना शुरू होते हैं, और अगर फ्री हो जाओ तो उसके कॉल आ जाती है, तो फिर उनके साथ गपशप रहती है, तो इस तरह वो टाइम गुजर जाता है। अच्छा मैं सोचती हूँ ओहो मैंने ब्लॉग तो बनाया ही नहीं तो ऐसे होता है। और हमेशा मैं कहती हूँ ना, एक आप मेरी फैमिली है, और एक मेरी घर पे फैमिली है, और एक मेरी आप सब यूट्यूब फैमिली है मेरी। तो
देसी घी का पराठा बहुत मजे का होता है, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल भी इनमें से कोई पसंद नहीं करता। सॉरी मेरे, पता नहीं क्यों इतनी अच्छी खुशबू होती है और कहते नहीं हमें ना इसका देसी घी की स्ट्रांग होती है। सॉरी दूध निकालने गई थी फ्रिज से तो कहते हैं कि ना स्ट्रांग स्मेल होती है देसी घी की। मैं डायरेक्ट इसको उंडेलती नहीं हूँ, पहले कप में डालती हूँ, क्योंकि दूध अगर डायरेक्ट इस तरह कर दिया जाए ना ऊपर तो सारी बॉटल के अंदर वो उसकी स्टीम जाती है और दूध बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। ये भी एक टिप है, तो इसलिए मैं बॉल गैलन को नहीं रखती ऊपर जितना मुझे डालना। और आपको पता है मुझे काली चाय पसंद है, मुझे व्हाइट चाय नहीं पसंद, गोरी नहीं पसंद, ब्लैक पसंद है। मजाक करती रहती हूँ, मेरा मतलब है कि ज्यादा दूध वाली चाय नहीं पसंद। आपसे बातें करते करते मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया और इस तरह करके इसमें मैं छोटी सी प्लेट रखी है ताकि ये चिंगेर सी जो मेरी है ना प्यारी सी, ये ऑयली ना हो जाए। और चाय भी बन गई चूल्हा बंद करके, अब इसमें प्यारे से कप में डालूंगी। कप की कलेक्शन बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ना, किसी दिन सारे कप्स इकट्ठे करके आपको दिखाऊंगी। तो ये कि आज मेरा दिल नहीं है, चले छोड़ें, जब बीटा फ्लेक्स का वो दिल करेगा ना बाद में तो फिर मैं बना लूंगी। फिलहाल नहीं है ये, फिलहाल पराठे को एंजॉय करते हैं और थोड़ा सा क्योंकि बहुत पाबंदी है बटर पे, हालांकि ये लो फैट ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाला है मैंने। ये देखिए यमी सा सादा सा सिंपल सा नाश्ता कीजिए और लंच तक खुश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लेनी चाहिए, एक तो काम सीधा रहता है गलत नहीं होता, दूसरी बरकत आपके अलग से मिल जाती है क्योंकि एक बिस्मिल्लाह शरीफ में देखें अल्लाह पाक के तीन सिफाती नाम है, तीन, एक तो अल्लाह है नाम और दूसरा रहमान और रहीम। तो ये देखिए चलते हैं टेबल पे, मैं फ्रिज में रख लूँ मक्खन और देन चलते हैं टेबल पे। ठीक है जी, आगे हम टेबल पे, और पहले तो किचन में शक्ल नहीं दिखाई थी, चले दिखा देती हूँ, मजाक करती रहती हूँ आपसे, मजाक चलता है। पानी ज़रूर होना चाहिए आपके नाश्ते की टेबल पे, पीना भी चाहिए। मैं दो गिलास ऑलरेडी पी चुकी हूँ, तीसरा पीऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह। पानी से आपके जो है ना एक एनर्जी आ जाती है, उसके अलावा कि आपकी स्किन बाल तो अच्छे होंगे लेकिन वो मुझे नहीं पता लेकिन ये है कि एटलीस्ट एनर्जी ज़रूर रहती है पूरे दिन के काम के लिए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी से अपने नाश्ते का आगाज़ करते हैं। आ जाइए आप भी मेरी YouTube फैमिली, मेरे साथ आप नाश्ता करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दिया कीजिए, क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए होते हैं सारे ब्लॉग्स और आपके लिए हम सब काम करते हैं। और अल्लाह के बाद आप सबकी दुआएं जो होती हैं वो हमारी हमें कामयाब इंसान बनाती हैं। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब इंसान बनाए, चाहे वो किसी भी शोबे में, ज़रूरी नहीं कि वो यूट्यूब पे या किसी तरह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी कामयाब, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत करता है आगे बढ़ने के लिए, और अपने से पहले दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें जी वैतराज का और प्लेन जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा विंडो से। ये देखिए भाई का व्यू आपको दिखाया बड़े दिनों बाद जी। देखा मौसम आपने, ठंड आ गई है, वो कहते हैं ना सर्दी आएगी नहीं सर्दी आ गई है तो यूके में तो सुबह शाम को होती है, अगर धूप निकल आए तो कुछ बेहतर होता है, लेकिन ये है कि मज़े का है ना ये मौसम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दरमियाना सा, ना बहुत सर्दी ना बहुत गर्मी, तो बहुत अच्छा लगता है वेदर माशाल्लाह से। अल्लाह ताला के सारे मौसम बहुत अच्छे हैं और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें इतने अच्छे अच्छे मौसमों से नवाजा और हर चीज़ से नवाजा, और इसकी जितनी भी नेमतों का शुक्र अदा किया जाए कम है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि नेमतें इतनी ज़्यादा है कि हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। तो आज का दिन देखें ठंडा ठंडा गर्म गर्म, कल मैंने रात को हलीम बनाई थी बस वही खाऊंगी लंच में और रोटी के साथ, और ज़्यादा चम्मच हलीम के साथ ही खा जाती हूँ मैं मेरी आदत है और मेरी बेटी की भी यही आदत थी। तो मज़े की मटन हलीम बनी थी, हलीम की रेसिपी एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ इसलिए मैंने उसको कैप्चर नहीं किया था, इनफैक्ट शॉर्ट्स में भी शायद है मेरी, देख लीजिएगा। और मैं बहुत आसान तरीके से हर चीज़ को, मैं कहती हूँ ना खाना आसानी पैदा करनी चाहिए, तो वो भी बहुत आसानी से जल्दी से क्विक वाली रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। तो चलिए मेरे साथ फिर लंच करेंगे जब, तो वो भी देखिएगा हलीम और रोटी खाऊंगी मैं तो साथ।
जी, तो ये थे दिन का लंच। मटन हलीम बहुत यमी बनी थी, तो बहुत ही मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। कहेंगे तो इजी वे में अपने घर के मसालों से आपको बता भी दूंगी। और ये शाम को बाहर निकल गए थे। आज का व्लॉग इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।